जोहर ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के पोटका में रथ मेला पर छौ नृत्य और मेला का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक सुखराव उराव के पुत्र सनी उराव। आयोजन समिति ने किया स्वागत। आयोजन समिति और छौ नृत्य टीम को विधायक सुखराम उराव के पुत्र सनी ने किया सम्मानित। आयोजन समिति के अध्यक्ष लखन जामोदा के नेतृत्व में हुआ सनी का स्वागत। सनी ने कहा, कला संस्कृति को बचाए रखने में सभी का सहयोग जरूरी। खबर विस्तार से। चक्रधरपुर के पोटका में रथ मेला पर विशाल छौ नृत्य और मेला का आयोजन हुआ। यहां पर आयोजन समिति की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित विधायक सुखराम उराव के पुत्र सनी का स्वागत किया। यहां पर आसन तलिया और हतिया गांव के नृत्य मंडली के द्वारा ऐतिहासिक और पौराणिक नृत्य की प्रस्तुति हुई। छौ कलाकारों ने पौराणिक कथाओं पर नृत्य की प्रस्तुति की। दर्शकों ने खूब प्रशंसा की। दोनों टीम की ओर से जोरदार कॉम्पिटिशन हुआ। यहां पर गणेश वंदना से छौ नृत्य का शुभारंभ हुआ। सनी ने आयोजन समिति और दोनों नृत्य मंडली की प्रशंसा की। मौके पर विधायक प्रतिनिधि पीरू हेमरम, उप प्रमुख विनय प्रधान, झमुमो नेता दोराय जोको। अमर सिंह बोधरा, प्रदीप महतो आदि मौजूद थे। आयोजन समिति के अध्यक्ष लखन जामोदा के अलावे दीपक जामोदा, तुरी कुंडिया, सिंगराई, गणेश तैसुम आदि मौजूद थे। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक सुखराम उराव के पुत्र सनी उराव ने कहा कि पोटका में आयोजित छौ नृत्य सही मायने में आयोजन समिति और पतिया और आसन तलिया गाँव की छौ टीम के कलाकार ऐतिहासिक और पौराणिक नृत्य की प्रस्तुति कर एक विशेष कर युवा वर्ग को सुंदर संदेश दिए हैं। उसके लिए तहे दिल से कलाकारों को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि छौ नृत्य मनोभावों की स्थिति अथवा अवस्था का प्रकटीकरण है। नृत्य का यह रूप फारी कंदा, जिसका अर्थ ढाल और तलवार है, की युद्ध कला परंपरा पर आधारित है। नर्तक विस्तृत मुखौटे लगाता और वेशभूषा धारण करता है तथा पौराणिक ऐतिहासिक क्षेत्रीय लोक साहित्य प्रेम प्रसंग और प्रकृति से संबंधित कथाएं प्रस्तुत करता है।